एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बिनोली में स्थित इद्रीसपुर गांव पड़ाव। वर्तमान में गांव के प्रधान रामनाथ सिंह हैं। लगभग 2200 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 20 किलोमीटर ही है। लगभग 1187 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 435 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 158 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 30 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल की मरम्मत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, बिजली घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट, खेल का मैदान, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। कमरुद्दीन इद्रीसपुर जिला बागपत का निवासी है। गांव में मैंने काम कराए, 200 लैट्रिन बनाई, 1 सीसी रोड बनाया, 6 इंटरलॉक लगाई, 1 नाले की मरम्मत काम सफाई कराई, 50 सोलर लाइट लगाई, 35 चैनल लगाए और 40 स्ट्रीट लाइट लगाई। गांव में रास्ते की सफाई कराई, स्कूल में गेट खिड़की कराई। राज्य सरकार से हमारी मांगे, पंचायत घर, पानी की टंकी, बारात घर, चिकित्सालय केंद्र की मरम्मत, खेल का मैदान, तालाब की खुदाई व सफाई, तान व शमशान घाट की चार दीवारी, इनमें नल कूप लगाने का निर्माण, कम से कम भी 500 मीटर का नाला है, उसका निर्माण होना चाहिए।